हेलो, चल देखिए मेरा कॉलेज का मेन गेट है और इसके बाद हम अभी ले चल रहे हैं आपको कॉलेज में और वहाँ आपको कैंपस और भी जो वहाँ है चीज़ें अवेलेबल और देखिए ये जो है सिक्योरिटी स्कूल है जो अभी हमने सड़क दिया ये बच्चे बस छोटा बच्चा इसमें जाता है लोग पढ़ने जो कि हमारे कॉलेज गेट के बस सामने है। देखिए ये जो है से कॉलेज का कैंपस का मेन गेट है वो जो था से एंट्री वहाँ से था जो कि एक रोड से लिंक था और यहाँ देखिए एक ब्रिज की तरह से अभी अंदर गया क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है और ये देखिए बारिश ही हो रहा है। हम भी ये अभी देखिए रिकॉर्ड कर रहा था अभी जस्ट आए और ये देखिए दौड़ करके आ रहे हैं उधर से लोग क्योंकि बारिश होने लगी है। अभी ये देखिए अभी हम कैमरा यहाँ से वाई खुला नहीं है और ये तो फॉर्म करने के लिए तरीका अभी न्यू बना हाल फिलहाल में कि जो खिड़की दिख रहा है नहीं है उसको फॉर्म में किसी भी कार्य करना है लगता उसको बना था गुजर सकता हूँ इधर मेन रोड है कॉलेज के सटे से जो स्कूल की तरफ जाता है और इधर देखिए किड स्कूल ही दिख रहा था और ये आपसे हमने आपको बताया कि यहाँ से फॉर्म भर सकता है लोग इस पर ये देखिए आपको आ गया ये जो अभी करकट वाला जो देखे आप लोग वो है स्कूल का पार्किंग इसी में हम लोग बाइक लगाते हैं साइकिल जो भी है और ये जो अभी कैंपस दिख रहा है आपको कैंपस के अंदर ही ये सब कैंपस में आता है जो बालू वालू गिरा हुआ है। एक रास्ता है रास्ता का आपको राइट साइड जो है से आपको स्टेडियम है और स्टेडियम का कैंपस है और इधर जो है से आपको एक कॉलेज है मेन इसके अंदर ही हम लोग सेकंड ऊपर फ्लोर जो है सेकंड फ्लोर उसमें BCA डिपार्टमेंट चलता है और लाइब्रेरी भी है उसमें हम लोग अभी थर्ड ईयर का तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए कॉलेज के छात्र नेता कुछ लोग हैं जो अपना बैनर लगाए हुए हैं। यहाँ से मेन गेट है जो कि अंदर यहाँ ही घुस करके कुछ भी काम किया जाता है। ये ही अगला पिछला लॉकडाउन यानी कि 2020 में बना था अभी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये सब कॉलेज है आपका मेरा देखिए लोग यहीं पर भी बैठे हुए हैं। बारिश हो रहा है इसके वजह से लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए BCA डिपार्टमेंट यानी ऊपर जाने सेकंड फ्लोर पर जाने का मेन रास्ता है इसी से हम लोग होकर के जाते हैं और ऊपर लाइब्रेरी भी है बट लाइब्रेरी अब नीचे ही आ गया है। इधर ये सब कुछ पेड़ पर ये देखिए ये एक रास्ता है जो कि हर एक मतलब चारों तरफ से जो रास्ता है उसमें फूट करके एक बीच में आया है जहाँ पर एक ग्लम्बर बना हुआ है और इधर आपको फिर से हमने बैक करके दिखलाया घूम करके और ये भी रास्ता है अंदर जाने का। ये देखिए आपको गदाधाराचार्य इनका नाम हुआ यही कॉलेज का भी संस्थापक है मतलब इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था और इसकी तरह एक हैंडसप है जो कि अब ख़राब हो चुका है और ये सब खाली थे सब इधर और हैंड पेंट टॉयलेट वॉयलेट करने जाता था लोग इसी की वजह से जो है कैंपस को घेर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है पॉलिटिकल फिलोसफी डिपार्टमेंट है सामने वाला जो है सर ठीक है आपको मैथमेटिक्स है और उधर इस तरफ हाँ यहाँ आपको मिल जाएगा इधर बॉयज और गर्ल्स टॉयलेट है गर्ल्स टॉयलेट है जो कि अब पहले इसको बॉन्डिंग कर दिया गया है उधर से आपको देख रहे हैं उधर चल जाता है पता नहीं किस चीज़ का इकोनॉमिक्स या आपको एक और डिपार्टमेंट है उधर भी पीछे से जाकर के और इधर देखिए क्या है यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री साइकोलॉजी और उधर देखिए क्या है एंड इकोनॉमिक्स है पॉलिटिकल साइंस इधर है यहाँ पर हमारा कॉलेज ठंडा पानी वाला है इस तरह पूरा स्पेस है ऐसे ही मतलब खुला हुआ देखिए आपको कोई भी काम नहीं हो रहा है जो कि आगे चल के कुछ भी चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। इधर से व्यू कुछ इस तरह का आता है कॉलेज का बहुत बड़ा है
देखिए और ये जो है सबसे पहले इसमें पेड़ था वो जो लगा हुआ है ना वही वाला था इसमें भी, बट इसको न्यू जो अभी सड़ आए हैं बट अब इसको वो इसको कटवा दिए हैं और इसमें कुछ नया लगाएंगे। ऐसे बॉन्डिंग नहीं था पहले बट इधर ही बॉन्डिंग हाल फिलहाल में हुआ है 2020 के आसपास में। ये सब जो ट्रैक है इस पर लोग दौड़ते उड़ते हैं, यहाँ पे बच्चा लोग ट्रेन किसी भी चीज़ का आ करके मतलब जो भी दौड़ने के लिए होता है वो दौड़ते हैं। और इधर मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, इसमें हमने भी क्लास कर रखे हैं, किए हैं क्लास। अभी अरविंद सर इसमें क्लास लेते हैं मैथमेटिक्स में। हम आए थे बहुत पहले बट बारिश इतना हुआ है कि देखिए कितना सब जो है सो दिख रहा होगा आपको। ये जनरेटर वनरेटर है इधर से इस तरह से दिखता है, ठीक है। और आगे दिखाते हैं, बहुत ही पानी है इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है शूट करने में। तो और भी आगे हम जो भी हो दिखला देते हैं, पूरा अच्छी तरह से दिखलाएंगे। एक कबूतरा यहाँ भी है, उधर देखिए लोग पैर उठ से अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अभी। और एक जो है रसायन विज्ञान है और यहाँ बहुत की है, मतलब इस तरफ आपको रसायन होगा इस तरफ बहुत की है, ठीक है। पढ़ सकते हो इसे, जीजे कॉलेज रामबाग बेटा कुछ मोबाइल इश्तियाक करके हैं जो कुछ किए थे इसका उद्घाटन, ये सब प्रिंसिपल उस टाइम थे डॉक्टर राजीव कुमार रंजन। ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी पैर से, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वनस्पति विज्ञान है इधर आपको, और बाएं तरफ और दाहिने तरफ आपको जंतु विज्ञान है बाएं तरफ और दाहिने तरफ आपको हो जाएगा राइट साइड वनस्पति विज्ञान, यहाँ पर इसका पढ़ाई होता है। और इससे भी चलना पड़ रहा है, इधर देख लीजिए पूरा बारिश हो रहा है, ये क्या है पता नहीं। ये आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल डिपार्टमेंट है और यहाँ पर एनसीसी का ऑफिस भी शायद है, ठीक है। लोग अभी घूम रहे हैं शायद, लोग भैया हाई कर दीजिए एक बार, ब्लॉग है मेरा, थैंक। ये सब कुछ कुछ है इधर अभी, ये जो है सो आपको गर्ल्स हॉस्टल है इधर और ये अभी खाली मतलब ऐसे ही है थोड़ा हुआ, कुछ कोई भी इसमें रहता नहीं है, मतलब कोई कुछ काम का नहीं है फिलहाल सच पूछिए तो। ये जो है वर्मी कंपोस्ट को इसमें बनाया जाता है और टोटल जो भी कचरा होता है उसमें डाला जाता है। चलिए दिखा ही देते हैं, देख लीजिए ऐसे ही है, कुछ इसमें मतलब है नहीं सच पूछिए तो। और इधर हम लोग आते थे कभी घूमने उमने, इधर पूरा ऐसे ही खाली था, एक हैंडपम्प था जो कि खराब हो चुका, हम लोग कभी इसको यूज नहीं किया, हमारे समय में बंद ही था समझिए कि। पूरा रास्ता पर पानी जमा हुआ है यार, ऐसे भी घूम रहे हैं हम लोग, देख लीजिए इधर से कुछ इस तरह का दिखता है कॉलेज आपका, बहुत बड़ा कैंपस है इसका और साइड साथ में इसका एक स्टेडियम भी है। देखिए किस तरह से लोग एक्सरसाइज करते हैं, देखिए पानी है यार, पूरा बचा करके चलना पड़ रहा है हमको। गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ नज़दीकी से दिखला दिए, यहाँ इधर इस तरह का व्यू है कुछ जो इस तरह से अंदर से दिखता है आपको। इसमें अभी तक हमने एंट्री नहीं किया कभी और ना ही किसी को करते हुए देखा है, मतलब खाली ही है, आगे चल करके यूज हो सकता है। बीटा इधर से कुछ इस तरह से दिखता है, अभी देखिए ये सब खाली है और आगे मतलब इस पर कुछ ना कुछ बना सकते हैं, बहुत बड़ा है एरिया, कुछ भी यहाँ बहुत कुछ लाया जा सकता है यूनिवर्सिटी से। इस पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए सामने वाला जो पेड़ है आपको, ये हमने लगाया था और एक और वहाँ पर कॉर्नर में है और एक उस लाइन में है वहाँ पर और एक में, मतलब उसमें दो लाइन वहाँ पर दो गो लगाए थे, यहाँ पर एक ठो और यहाँ एक और उसमें भी एक लगाए थे, मतलब दो तीन चार पाँच पेड़ हमने यहाँ पर खुद अपने से लगाए हैं। ये चारों तरफ से इस तरह ऐसे मिल जाएगा, हर एक रास्ता जो है इस तरफ में, इसमें से एक फूला मतलब रास्ता फूटा हुआ है इसमें जाने के लिए, वहाँ एक गोलम्बर बीच में बना हुआ है आपको, वहाँ बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा है। इधर आपको फिलॉसफी का डिपार्टमेंट है जो कि अभी खाली है और यहाँ पर एक हैंडपम्प था जो कि पिछले लॉकडाउन में ही लगा था जो कि अभी चालू है ना। और भी देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग को लगेगा देखने में, ये मेरा कॉलेज है अभी हम इसी में थर्ड ईयर में हैं और इस बार देखिए कब से एग्ज़ाम, ऐसे 20 जून से बोल रहे हैं लोग
20 जून 2021 फॉर्म हम लोग को भराने के बाद अभी कोई वैसा सूचना नहीं है, बट आ सकता है। गोल्डन जुबली है और ये जो है से एनसीसी का, और यहाँ पर एनसीसी का बैनर लगा हुआ, देखिए गोल्डन जुबली। इसमें फंक्शन होता है कॉलेज का, एक उधर भी है, पीछे में भी है कॉलेज में। बट यहाँ इसमें सुनने में आता है कि जो यहाँ का नेता लोग होते हैं, छात्र नेता कॉलेज का प्रेसिडेंट, उनको ही मतलब चाबी मिलता है इसको, और इसमें ही मतलब किसी भी जैसे फ्रेशर पार्टी हो गया या फेयरवेल पार्टी हो गया तो इसी में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको। तो ये इस तरह का है, इधर से देखिए ऐसा कुछ दिखता है आपको कॉलेज। और ये जो है ऐसा नीम का पेड़ एक लाइन से लगा हुआ है कॉलेज का वहाँ मेन गेट तक, ठीक है। और इधर ये जो इमली का पेड़ है, इस पर हम बचपन में आते थे, उधर फील्ड था पीछे बैक साइड में आपको, तो क्या बोलता है कि ये बॉन्डिंग जो दिख रहा है आपको चारों तरफ से, वो बॉन्डिंग पहले था नहीं, तो हम लोग आ जाते थे और क्या बोलता है कि यहाँ से इमली तोड़ते थे। देखिए अभी भी इमली अभी शायद फूल लगा हुआ है, और उधर नहीं टूटा है, तो इसमें इमली हम लोग खाने आते थे। और ये कुछ इस तरह का दिखने को दिखता है यहाँ से। यहाँ पर एक पक्का ऐसी है, कंक्रीट का बनाया हुआ है, इस पर कुछ लोग क्रिकेट का अभ्यास करते हैं। और आपको यहाँ शायद दो एथी लगा हुआ है, इस पर हमको नहीं पता है क्या चीज़ का है, आपको पता हो तो कमेंट करके बतला सकते हैं हमें, ठीक है। तो इस तरह का कॉलेज है मेरा। और इधर देखिए ये सब बहुत ही हरा भरा आपको नज़र आएगा। तो कॉलेज मतलब जितना है उतना है, बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, आप खुद ही देख करके जज कीजिए। और हाँ, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए कि मेरा कॉलेज जो है से आपको कैसा लगा। यहाँ से हम बी सी ए भी कर रहे हैं, बैठने वाला बनाया गया है यहाँ पर दो ठो। और ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है, ये सब पेड़ तो अभी नया लगा है, बहुत हाल फिलहाल का, मतलब 5-6 साल का होगा। ठीक है, वो लोग लड़का इधर भी आ गया, ठीक है। इधर से भी रास्ता है, हम उधर से चलेंगे तो वहाँ निकल जाएंगे, बट इधर से ही चलते हैं, वहाँ से घूम करके आएंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों जो पेड़ है, ये वाला और एक यहाँ पर है, ये हमने लगाया था, बाकी और वहाँ आगे था एक ठो, और वहाँ पे एक कॉर्नर पे था। तो इस तरफ से इधर ऐसा मतलब दिखने को आपको मिलेगा, ये सब खाली है, इसमें कुछ घास उस अगर काट दिया जाए तो बहुत अच्छा बैठने उठने के लिए होगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 3-4 पेड़ हैं आपको, बट हमने मतलब आगे वाला लगाया था जो कि उतना अच्छा कंडीशन में है नहीं, तो एक दिन कभी आकर के इसको ठीक ठाक फिर कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखलाएंगे कि कैसा पहले से अच्छा हालत में आपको दिखने को मिलेगा। ये वाला पेड़ हमने लगाया था, और ये वाला पीछे वाला एक भैया थे सीनियर, वो लगाए थे, ठीक है। और ये गोलंबर देखिए, चारों तरफ से यहाँ घूम करके आप आ सकते हैं और बैठ भी सकते हो। तो इस तरह का, अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो अच्छा से लेते, बट ड्रोन कैमरा तो है नहीं, क्योंकि अभी भी ये लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी रास्ता है इस तरह से इस, और इधर एक महात्मा गांधी का वहाँ पर चबूतरा बनाया गया है बैठने के लिए। इधर आपको जो है से इस तरह का मतलब मिलेगा, हर एक रास्ता से जो है से आपको यहाँ एक मिल जाएगा, जो कि इस गोलंबर के पास आप आ सकते हैं यहाँ और बैठ सकते हैं। बहुत ही कुल मिलाकर के कहा जाए तो ठीक ठाक अच्छा है, हमें तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? क्योंकि अच्छा लगा था तभी तो हम एडमिशन यहाँ किए थे, आपको भी लग रहा है तो ले सकते हैं। इधर देखिए मरचा स्वामी का, वहाँ से जो दिखे थे हम फर्स्ट आवर में जो आए थे हम लोग, तो आपको दिखने को मिला होगा, हम नज़दीकी से आपको दिखला देते हैं ये क्या लिखा हुआ है उनका। 2010 में इनका इंतकाल शायद हो गया है, पर बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए है ना, ये मरचा स्वामी का क्या नाम है इनका, श्री गंगाधरचार्य जी महाराज नाम था इनका, महाविश्वविद्यालय के संस्थापक यही है, ठीक है। 1883 से 2010, 1883 में इनका जन्म है। जूम करके दिखाते हैं आपको, ये हैं देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का था, अब करीब करीब हम को लगता है कि सब कुछ आपको दिखला दिया गया, तो बस अभी इन ही करेंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं चाहूँगा कि बीटा का या अपने लोकल एरिया का जो भी अच्छा देखने वाला चीज़ हो उसको हम आपको दिखलाएंगे, और भी कहीं जाएंगे तो मतलब दिखाते रहेंगे, जैसे राजगीर बोधगया ये सब हो गया, या बिहार में
या फिर क्या है तो इंडिया का अंदर जो भी होगा, ये लोग देखिए मेरे साथ आया था, बैठा हुआ है अभी। ठीक है तो इतने ही रखते हैं भाई, एग्जिस्ट कर देते हैं। अब फाइनली एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, देखिए बच्चा दौड़ रहा है इस तरह का है, बहुत ही बढ़िया। और जनरेटर कब आया था वो जनरेटर यहाँ पे? जनरेटर मतलब कुछ काम के लिए ही आया होगा। ये जो है से यहाँ पे नोटिस बोर्ड है वर्सर कच, और ये देखिए पूरा फटा हुआ है, इसी पर नोटिस वोटिस चिपकाया जाता है या फिर ये दीवार पर मतलब लगाते हैं लोग। और इस तरह से देखिए वहाँ प्रिंसिपल का रूम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसा था, और अब नहीं लगता है कि हमको यहाँ पे ये थोड़ा सा कैमरा में हमको भी ले ले भाई। हेलो बिकेश, इस पर टच मत करना, ठीक आ रहा है फोटो बेटा, चलो बाय। अच्छा आया था, अभी थोड़ा सा एग्जिट करते हैं हम लोग, क्योंकि वही गेट से हम लोग एंट्री किए थे। वहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा होगा, वही है गेट। और एक देखिए यहाँ पे शायद कपल्स हैं, कपल्स का इलाज तो है नहीं, बट वो लोग आए हैं, अगर गार्ड रहता तो इन लोगों को मतलब अभी भगा देता, बट चलिए कोई बात नहीं, घूमने दीजिए, मौज है कर लेना दो भाई, उम्र है अभी, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं था यहाँ पे, है ना। हम लोग ही कल चुके अब फाइनली अपने कॉलेज से, अभी हमको कुल्हड़िया तरफ जाना है तो उधर निकलेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। यहाँ से कुछ इस तरह का आपको दिखने को मिलेगा इधर, ठीक है। इस तरह का है आपको इधर भी, जो कि एक कॉलेज है आपको, और ये लोग घूम रहा है इधर।